उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम को मुठभेड़ में एसटीएफ ने मार गिराया है। एडीजी अमिताभ यश सर हैं। सर, कैसे क्या मुठभेड़ हुई और क्या कुछ कहेंगे? जब से यह घटना हुई तब से लगातार एसटीएफ इन अपराधियों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें उमेश पाल जो एक इम्पॉर्टेंट गवाह था उसका तो मर्डर हुआ ही, साथ ही हमारे दो कांस्टेबल्स को दिन दहाड़े सड़क पर मार डाला गया था। सीसीटीवी के माध्यम से और अन्य टेक्निकल इनपुट से बहुत शुरू में ही ये क्लियर हो गया कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। असद स्वयं इसमें एक शूटर था, गुलाम भी एज अ शूटर इस घटना में शामिल था। आज फाइनली झांसी क्षेत्र में इन दोनों को ट्रैक डाउन किया एसटीएफ ने। इन्होंने पुलिस पर फायर किया, एसटीएफ पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में ये दोनों मारे गए हैं। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड फायर आर्म्स मिले हैं। बिल्कुल, तो ये अमिताभ यश जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनके पास से असलहे भी बरामद हुए हैं और इन्होंने एसटीएफ पर फायर भी किया, जिसके बाद एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में दोनों को मार गिराया है। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।